मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक्शन रिसर्च के बारे में लेक्चर दिया था। आज मैं आपको स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च के बारे में बताऊंगी। एक्शन रिसर्च में सिक्स मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान। सेकेंड वन इज द डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम, समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन। तीसरा है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, कॉजेज ऑफ प्रोबेबल कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, यानी समस्या के संभावित कारणों का विश्लेषण। फोर्थ वन इज द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निर्माण। एंड फिफ्थ है डेवलपिंग ए डिजाइन टू टेस्ट एक्शन हाइपोथेसिस, क्रियात्मक परिकल्पना के परीक्षणों के लिए प्रारूप तैयार करना। तो ये छह स्टेप हैं एक्शन रिसर्च के लिए। अब हम वन बाय वन इसमें देखते हैं। पहला है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी समस्या की पहचान करना। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम का एरिया क्या है, समस्या क्षेत्र क्या है हमारा। उस समस्या क्षेत्र को फाइंड आउट करने के बाद हम उसमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, उस समस्या उस क्षेत्र से रिलेटेड विशेष समस्या की पहचान करते हैं। अब यहाँ पर समस्या क्षेत्र से मतलब कि समस्या मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ी है। ये शिक्षण क्षेत्र से भी हो सकती है, जो आपका कॉलेज या स्कूल का प्रशासन है उससे संबंधित हो सकती है, टीचर से संबंधित हो सकती है, और स्टूडेंट से संबंधित भी हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम एरिया को पहचानने के बाद इस एरिया से रिलेटेड जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड पॉइंट है डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम, यानी समस्या को परिभाषित करना और सीमांकन करना। तो यहाँ पर जब समस्या के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो जाती है रिसर्चर को, तो वह रिसर्चर क्या है, सेकेंड स्टेप में आता है, जो कि ये डिफाइनिंग और डिलिमिटिंग है। यहाँ पर समस्या के वो प्रत्येक पहलू को स्पष्ट करता है, यानी प्रत्येक एस्पेक्ट, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको स्पष्ट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। डिलिमिटिंग का मतलब है समस्या का क्षेत्र सीमित करना, यानी जो एरिया है उसमें से हम एक कुछ पर्टिकुलर एरिया डिलिमिट कर देते हैं कि हमें उसी एरिया की समस्या का समाधान ढूंढना है, ताकि उस समस्या को हम, उस समस्या विशेष को हम सही ढंग से कारणों को ढूंढ कर उसे सही कर सकें। इसको अगर हम समझना चाहें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे स्कूल की जो कक्षाएं हैं उनमें छात्र अनुपस्थित रहते हैं, तो ये पूरा एरिया हमारा क्या हो गया, समस्या क्षेत्र हो गया। अब इस स्कूल में तो बहुत सारी क्लासेस हैं, ट्वेल्थ तक है, फर्स्ट टू ट्वेल्थ है, या कहीं छोटी क्लासेस भी होती हैं। अब उस पूरे एरिया में से हम डिलिमिट करेंगे इस समस्या को, एब्सेंट को, हम समस्या को एक पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में लाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लास सेवन्थ में बच्चों का अनुपस्थित होना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिलिमिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का सीमांकन। तो इस तरह से हमने एक, हमारे क्षेत्र जो है वो अपना ढूंढ लिया, समस्या हमने ढूंढ ली, और सेवन्थ क्लास के बच्चों को की समस्या लेकर हमने उस क्षेत्र को डिलिमिट कर दिया। तीसरा पॉइंट आता है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम कॉजेज, प्रोबेबल, एनालाइजिंग द प्रोबेबल कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कारणों का विश्लेषण। तो अब जैसे ऊपर हमने ये समस्या ढूंढी है कि स्टूडेंट क्लासेस में, सेवन्थ क्लास में नहीं आते, तो इस समस्या को जब हमने डिलिमिट कर लिया है, सीमांकन कर दिया है, अब हम इसके प्रोबेबल कारण को ढूंढेंगे। अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पहला है फैमिली प्रॉब्लम, बच्चे का कोई पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकती है। डेफिशिएंसी इन इंटेलिजेंस, उसमें बौद्धिक कमी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी हो सकती है, बच्चे को क्लास में समझ में नहीं आता है तो इस डर से वो क्लास में नहीं आता है, या लॉट ऑफ होमवर्क, अध्यापकों द्वारा अत्यधिक गृह कार्य मान लो दिया जाए जिसे बच्चा
समय पे पूरा नहीं कर पाता और इस तरह से वो क्लास में एब्सेंट हो जाता है, या फिर सीवियर पनिशमेंट बाय द टीचर, अध्यापकों द्वारा कठोर दंड, सीवियर पनिशमेंट, कठोर दंड दिया जाता है, तो इस कारण भी बच्चा क्लास में एब्सेंट हो सकता है। पेरेंट्स आर नॉट गिवन अटेंशन टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, जो अभिभावक हैं वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बैड हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट, जो छात्र है, छात्रों की कुछ बुरी आदतें, जैसे उन्हें इधर उधर घूमने की आदत है या आवारा इधर उधर घूमते रहते हैं, इन सब कारणों के कारण बच्चा जो है वो स्कूल में एब्सेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है सबसे, और यहाँ पर समस्या के समाधान हेतु जो ये कल्पनाएं जो हैं, परिकल्पनाएं हैं, उनका निर्माण किया जाता है। कल्पना से मतलब है, हाइपोथेसिस का मतलब है टू गिव द पॉसिबल या एज्यूम्ड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी जो भी समस्या है उसका संभावित समाधान प्रदान करना, दैट इज द हाइपोथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, डेवलपिंग ए डिजाइन टू टेस्ट द एक्शन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक प्रारूप तैयार करना। इस प्रारूप को तैयार करने के लिए चार मेन पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। पहला तो ये होना चाहिए कि वो क्रियाएं जो प्रारंभ करनी है, यानी एक्टिविटीज विच आर गोइंग टू बी स्टार्ट, कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हमें प्रारंभ करनी है। अब दूसरा पॉइंट, उन क्रियाओं को शुरू करने की विधियां, मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटीज, देन उन क्रियाओं को करने के लिए अपेक्षित साधनों का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजायर्ड मीन्स टू स्टार्ट द एक्टिविटीज, और लास्ट पॉइंट है इसमें अनुमानित खर्च, यानी जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है वो कितना है उसका हमें ध्यान रखना है। तो कोई भी डिज़ाइन, कोई भी प्रारूप तैयार करने के लिए इन चार पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है, इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट। इवैल्यूएशन के लिए अंतिम, ये लास्ट स्टेप है इसमें, और इसमें परिणामों का, जो हमारे रिजल्ट हैं उनका इवैल्यूएशन किया जाता है, और इवैल्यूएशन करने से हमें ये पता चलता है कि हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति हमें हो गई है या नहीं हो गई है। इसके लिए जो रिसर्चर है वो इंटरव्यू यूज़ करता है, क्वेश्चनरी यूज़ करता है, चेकलिस्ट करता है, ये सारे मेथड्स यूज़ करता है ताकि वो अपने जो रिज़ल्ट है उसको इवैल्यूएट कर ले। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं मेथड्स, चाहे हम इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, चेकलिस्ट या जो भी और दूसरे मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी विधि हम यूज़ करते हैं उसकी विश्वसनीयता, उसकी वैधता और उसकी वस्तुनिष्ठता, इन सब पर हमें अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, यानी वो रिलायबल हो, वैलिड हो, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, टीचर का कोई भी पक्षपात उसमें नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये एक्शन रिसर्च। देन इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान के क्या लाभ हैं। तो ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है, इट प्रमोट द साइंटिफिक एटीट्यूड इन टीचर्स, टीचर्स के अंदर ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ये एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है जो कि हमें बच्चे के एस्पिरेशन लेवल को बढ़ाती है, ये हेल्प करती है सॉल्विंग द स्कूल प्रॉब्लम्स इकोनॉमिकली, यानी कम समय में, कम पैसे में, कम लागत में स्कूल से रिलेटेड समस्याओं को समाधान करती है। एंड इट हेल्प्स टू प्रमोट द डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन द स्कूल, सो दैट जो बच्चे हैं वो स्कूल में निर्भय होकर आ सके और अपनी बातों को भी कह सके। तो ये हो गई इसकी क्या एडवांटेजेस। इसके बाद जो है कुछ त्रुटियां भी हैं इसमें, हालांकि मैंने इसमें नोट नहीं किया है, लेकिन उन त्रुटियों में क्या है,
कि जर्नली जो है क्रियात्मक अनुसंधान वैज्ञानिक कम होता है। इसका कारण यह है कि जो सामान्यीकरण कम हो पाता है, यहाँ पे सामान्यीकरण से मतलब है कि क्रियात्मक अनुसंधान के जो परिणाम है वो दूसरे परिस्थितियों में लागू नहीं किए जा सकते, और ये सब्जेक्टिविटी इसमें अधिक आ जाती है। तो ये शोध ना तो वैध होता है और ना ही पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होता है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, बट फिर भी स्कूल से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस जो समस्याएं हैं वो हम इससे दूर कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आपको माइक्रो टीचिंग पढ़ दूंगी, जो कि इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच।